हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और राधे राधे। और मॉर्निंग का टाइम है और इस समय हो रहे हैं 11। बहुत लेट हो गया है वीडियो स्टार्ट करने में। वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ सुबह का जो है अपना ब्लॉग बनाऊँ, रूटीन शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रहता है बच्चों का। और स्कूल तो वैसे 9 बजे के हो गए हैं, लेकिन बच्चों की एनसीसी ट्रेनिंग चल रही है और तीनों की चल रही है, तो सुबह ही वो चले जाते हैं 4:30 बजे तक। तो फिर वो हबड़ तबड़ रहता है, नाश्ता बनाना, उनका टिफ़िन पैक करना, तो हो नहीं पाता है। और अब 11 बजे है, अभी काम जो है घर का हुआ नहीं है। बच्चे तीनों चले गए हैं या अपने काम पे चले गए हैं, तो काम अभी नहीं हुआ। झाड़ू बर्तन सब पड़ा हुआ है। तो मैं अभी जो बैठी थी, बुनाई कर रही थी, ये मैं स्वेटर बुन रही हूँ अपने बेटे के लिए और बड़े वाले बेटे के लिए, कृष्णा के लिए बुन रही हूँ। तो इसकी जो है 2 बाजू हो गई, अभी मैंने कंप्लीट करी है। तो सुबह से बुन रही थी, बल्कि मतलब ये मान लीजिए अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके नाश्ता भी बनाती रही, काम भी करती रही, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने बाजू पूरी कर ली है। अब जो है आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, वो भी कंप्लीट हो गया है, बस अब गला बुनना है। तो बहुत देर से बैठी हूँ, बुनाई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आंखें भी दुखने लगी हैं। तो सोचा चलो घर का थोड़ा सा जो काम है ब्रेक ले लेते हैं, घर का काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है गले की पट्टी बुनूंगी। और अभी मुझे कई स्वेटर बुनने हैं, ऊन बहुत रखी हुई है, बहुत ऊन रखी है। और हर साल का जो है मेरा टारगेट रहता है कि जितनी मेरे पास वूल रखी है वो सब मैं फिनिश करूँ और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दूँ, लेकिन रह जाता है, होता है। और इस बार मैंने सोच रखा है कि जितनी है सारी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा मेरे एक है दिक्कत मेरे साथ कि मैं मार्केट चली जाती हूँ तो मार्केट के बीच में ही ऊन की दुकान पड़ती है, तो वो कहते हैं ना खींचता है अपनी तरफ, तो मुझे वो अपनी तरफ खींचती है। फिर मैं कलर वलर देखने के लिए होता है कि भाई कौन कौन से कलर है, तो अगर मैं दुकान पे चली गई, चाहे मैं कलर देखने के लिए ही गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटती, खरीद के ही लौटूंगी। तो मैं अभी जो है मार्केट की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नहीं जाना चाहती, और अभी जो है नई ऊन नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो ही ख़त्म कर दूँ। तो सोच रही हूँ पहले एक एक करके निपटा दूँ। अभी बड़े बेटे के लिए किया है, पूरा हो जाएगा गले का जो है वो, आज देखो हो जाता है तो ये कल तक पूरा हो जाएगा। फिर एक दो रखे हुए हैं, कुछ पिछले साल का है अधूरा रखा हुआ है बना हुआ, उसे पूरा करूँगी। और इससे पहले मैंने अपने लिए एक स्वेटर बुन लिया है, स्कार्फ बुना है, जुराब बुने हैं, वो भी दिखाऊंगी आपको मैं। तो बस थोड़ा सा अभी ब्रेक लिया है, और जब तक ब्रेक लेती हूँ तब तक जो है बिस्तर लगा लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ, काम निपटा लेती हूँ। बच्चे शाम को ही आएंगे 4 बजे तक, तो जब तक है अपना काम वाम निपटाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ।
और यहाँ पे मैंने जो है बिस्तर लगा दिया है और झाड़ू लगा दी है। और आज मैंने पोछा नहीं लगाया, पोछा मैंने कल लगा दिया था तो आज मैंने नहीं लगाया है। और एक बार झाड़ू जो है सुबह ही लग जाती है, क्योंकि सुबह ही उठती हूँ ना मैं 4 बजे, तब मैं एक बार लगा देती हूँ। फिर बच्चे तैयार होते हैं और फिर वो जूते पहन के घर में आ जाते हैं अंदर, तो फिर जो है अब लगा दी है मैंने। और बस अब ये मतलब थोड़ा सा कूड़ा था ढोंगे में इकट्ठा कर रखा था, जैसे दूध के पैकेट हो गए, नमकीन बिस्कुट के, तो फिर मैं बाहर गिर कर आई हूँ। और यहाँ पे मैं जो है गला बुनने के लिए वो पल्ला जो है मतलब आगे पीछे का पल्ला बुन के रखा था, वो मैं निकाल रही हूँ, मुझे कंप्लीट करना है। वो मतलब आधा अधूरा रखा है ना, तो ये हो रहा है कि भाई जल्द से जल्द कंप्लीट करके अब मैं दूसरा शुरू करूँ। मुझे सच में अगर एक बार लत लग जाती है ना बुनाई की, तो फिर मैं बुनाई में लग जाती हूँ। फिर मैं अपने बाल झाड़ के रख रही हूँ। आजकल मेरे बाल जो हैं बहुत टूट रहे हैं, बहुत गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। इस डर से क्या हो रहा है कि मैं बाल भी नहीं झाड़ पा रही हूँ। बाल धोती हूँ या कंघी करती हूँ, बहुत बाल निकल रहे हैं। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं गंजी हो जाऊँ। तो अभी एक बार इंदुलेखा तेल आता है, सुना है उससे बाल नहीं झड़ते, तो वो लगाया है, शाम को लगाया था, पर वो सिर में मेरी आंखों में इतना चढ़ गया। तो बाल देखूँगी अभी, कल धुलूँगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ का नागत है तो कल धुलूँगी। और यहाँ पर ये कपड़े थे, टांग रखे थे, शाम को ना हाथ से कपड़े धोए थे, और सुबह जो बच्चों को पहनने के थे तो सूखे नहीं थे, तो मैंने यहाँ टांग दिए थे। मैंने कहा चलो फिर जो है पंखे की हवा में सूख जाएंगे, और मशीन में पानी रुक नहीं रहा है, सारा बह रहा है, तो फिर हाथ से ही धोने पड़े। और फिर वही होता है, एक दो कपड़े धो तो काफ़ी सारे धुल जाते हैं। यहाँ पे मैं जो है सिलाई निकाल रही हूँ गला बुनने की, और अलमारी मेरी आप देख रहे हो कैसी तितर बितर हो रही, फैल रखी है, और अलमारी जो है मुझे अपनी पूरी करनी है सही। तो अभी कनागत ख़त्म हो जाएंगे, नवरात्र आएंगे, तो धीरे धीरे जो है मैं घर का काम जो है शुरू करूँगी। मैं डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि वो होती रहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी, कि कोना एक एक कोना पकड़ के करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब वो पहली तरह मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से होता नहीं है, पता नहीं क्या हो नहीं पाता, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा जी, मैं दूसरे रूम में आई हूँ बच्चों का बिस्तर इकट्ठा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बाल गोपाल से आपको मिला रही हूँ। ये सुबह ही नहा धो के तैयार हो जाते हैं, गुड्डो उड़ जाती है सुबह ही, तो वो नहा लेती है और फिर वो इन्हें स्नान करवा के, इनकी पूजा करके, भोग लगा के वो स्कूल जाती है। 9 बजे का उसका स्कूल हो गया है, तो फिर वो कहती है कि मम्मी मैं ये काम निपटा दूँगी, वरना कृष्णा कर लेता है। और यहाँ पर मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, और बैठे रहते हैं ना तो एक एक करके झूला झूलाते रहते हैं, झूले पे वो बैठा देती हूँ और एक एक करके मैं झूला झूलाती रहती हूँ चारों को। और अब देखो वृंदावन जाने का कब होता है, दिसंबर में मेरे बच्चों का जन्मदिन आने वाला है, कान्हा का तो दूसरा जन्मदिन आएगा, और राधा का और श्याम का, बाकी श्याम का पहला जन्मदिन है। तो देखो कैसे होता है, उनकी क्या मर्जी है, क्या सोच रखा है उन्होंने अपने जन्मदिन के बारे में। तो यहाँ पे जो है बच्चों का बिस्तर में इकट्ठा कर रही हूँ, रजाई निकल चुकी है क्योंकि ठंडा होने लग गया है, और अभी एक एक करके निकाली है मैंने रजाई, धूप लगाऊंगी, खोल वगैरह धो के उन पर खोल चढ़ाना है। तो गुड्डू भी आज कह रही थी कि मम्मी मेरी भी रजाई निकाल दो, तो बच्चे आ जाएंगे तो बेड में से निकलवा देंगे, एक जना बेड पकड़ लेगा तो निकाल देंगे, क्योंकि ये जो गद्दा है ना ये थोड़ा भारी है, और चादर मैंने धो रखी है, सूखने के लिए डाल रखी है, फिर चादर सूख जाएगी, चादर भी बिछा दूँगी। तो बस इनका जो रूम है वो मैंने साफ़ कर दिया है, झाड़ू तो यहाँ पर सुबह ही लग गई थी, और पूजा कर होती है ना तो सुबह ही लग गई थी। और अब छोटा सा अपना रूम है, बच्चे इसमें ही अपना स्टडी करते सोते हैं। और यहाँ पे पीछे देखिए मेरा मंदिर है, और अभी गणेश चतुर्थी आई थी ना, मैंने मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ किया था, डीप क्लीनिंग करी थी, तो अब दिवाली पे होगा। और यहाँ पे बस मैं बैठ गई हूँ अपना बुनाई वगैरह लेके, तो मैं फटाफट जो है सोच रही हूँ दोपहर तक लंच से पहले जो है ये गला तैयार कर दूँ, पर मुझे लगता है नहीं है कि लंच से पहले हो जाएगा, शाम तक ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं। और वैसे इतना तो कोई है नहीं, क्योंकि दोपहर में कोई खाना खाने तो आएगा ही नहीं, इसके पापा आ गए तो ठीक है, वरना बच्चे तो शाम को 4 बजे तक ही आएंगे। तो फिर तब तक मैं हूँ अपना, और नाश्ता तो खैर मैंने चाय ब्रेड खा ली थी, अकेली रहती हूँ ना तो खाने पीने का इतना होता नहीं है, बच्चे घर में रहते तो उनके बहाने मैं भी खा लेती हूँ, वरना अगर बैठी रहती हूँ बस अपना टीवी लगा लेती हूँ, एक दो सीरियल आते हैं वो देख लेती हूँ, और बस अपना बुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे गले पे मैं निशान लगा रही हूँ, फंदे उठाने हैं मुझे। और मेरा जो वीडियो है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि डेली वीडियो आए मेरा, और मैं शूट कर लेती हूँ, पर एडिटिंग करने में वो हो जाता है ना कि बस
तो ये खैर, ये तो खैर गलती मेरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।